धूमधाम से मनाया जाएगा स्वामी टेऊराम महाराज का 133वां जन्म उत्सव। प्रेम प्रकाश आश्रम में अत्या हुई कार्यक्रम की रूपरेखा। सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज का 133वां जन्मोत्सव शहर में धूमधाम से मनाने के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्वामी बसंतराम सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत 4 जुलाई से 8 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान 4 जुलाई को प्रातः प्रेम प्रकाश आश्रम ग्रंथ का पाठ प्रारंभ किया जाएगा। वहीं 100 बच्चों का विद्वान पंडितों के द्वारा हवन वेद मंत्रों आचरण के साथ सामूहिक जनेऊ का कार्यक्रम संत महात्मा व गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आश्रम की ओर से धारण करवाई जाएगी। 5 जुलाई को विश्व कल्याण बहु कुंडाय विष्णु महायज्ञ का प्रारंभ होगा। वहीं ज्योति प्रवत कार्यक्रम भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। 6 जुलाई को सामूहिक ध्यान सत्संग के साथ दिल्ली से आई मनोज रिया एंड पार्टी द्वारा भगवान की दिव्य झांकियां है कृष्ण लीला श्री राम भगवान शिव जी की लीला सहित विभिन्न मनमोहक झांकियों की प्रस्तुति और भजन कीर्तन प्रस्तुत किए जाएंगे। 7 जुलाई को विभिन्न स्थानों से पहुंचे संत महात्माओं द्वारा सत्संग भजन कीर्तन का आयोजन होगा। इस क्रम के तहत 8 जुलाई को सोमवार प्रातः 6 बजे गुरु महाराज जी की मूर्तियों की पूजा अर्चना कर 133 प्रकार के भोग के साथ 133 दीपों से मां आरती की जाएगी। सभी कार्यक्रम वैशाली नगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज सेवी सिंधी समाज के लोग मौजूद रहेंगे। प्रेम प्रिय नागरिक बंधु, प्रेम प्रकाश संप्रदाचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का पावन 133वां जन्मोत्सव 4 जुलाई से 8 जुलाई तक वैशाली नगर प्रेम प्रकाश आश्रम में 84 रोड पर मनाया जा रहा है, जिसमें सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज जो हमारे प्रेम प्रकाश मंडल के मंडलेश्वर हैं और संत महात्मा गुणीजन कलाकार पधारेंगे। इसमें विभिन्न लोक कल्याण के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं। पहले 4 जुलाई को बच्चों के 100 यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उनको अपने कर्तव्य धर्म आदि की शिक्षा दी जाएंगी, जिससे बच्चे होनहार होकर के भारत की सेवा करें, आपस में प्रेम रखें, स्नेह रखें, सबकी सेवा करें। यही उन्हें बच्चों को यज्ञोपवीत के साथ संस्कार दिए जाएंगे। 5 तारीख को सुबह विश्व कल्याण के लिए ये यज्ञ रखा गया है, जिसमें लगभग 15 कुंडों का आयोजन है। वहाँ पर जो भी हमारे बाहर से आए हुए प्रेमी है, अजमेर की जनता है, वो उस यज्ञ में सम्मिलित होंगी, जिससे अच्छी तरह से बरसात हो और उसके साथ साथ अच्छे संस्कार पड़े और देश की सेवा कर सकें। ऐसे यज्ञ के द्वारा उन्हें कुछ संदेश दिया जाएगा। तो ये कार्यक्रम सुबह 8 से लेकर के और 11 बजे तक होगा। शाम को 5 तारीख को शोभा यात्रा होगी, जिसका अलग अलग मार्ग पत्र में बताए गए हैं। वैशाली नगर में आश्रम से प्रारंभ होगी और वैशाली नगर के खास मोहल्लों से, खास बाजार से होती हुई पुनः वैशाली नगर आश्रम पर समाप्त होगी। 6, 7 और 8 सुबह 7 से लेकर के ध्यान योग की बातें और सत्संग शाम को 5 से 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम होगा। 8 तारीख को विशेष कार्यक्रम है, जिसमें ध्वजा वंदन, यज्ञ और भी अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। शाम को 4 से लेकर के 8:30 बजे तक सत्संग होगा और इस उत्सव का समापन कार्यक्रम होगा। सभी लोगों को से निवेदन है कि सभी लोग आकर के संतों के दर्शन सत्संग का लाभ प्राप्त करें एवं अपने अंदर में अच्छे विचारों को रख करके, जैसे हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, परिवार में, पड़ोस में, शहर में, देश में, सब जगह अच्छे संस्कार हो, हम बनेंगे, सारी दुनिया बनेगी। बनाने के लिए संत लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आप पहुँचेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
तो आप लोगों को सत्संग सभी को निमंत्रण है, सब आकर के इसमें लाभ प्राप्त करें।